डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आल सेबिस्टांस मेड बाय एटम्स जितने भी सेबिस्टांस हैं चाहे वो पेन हो पेंसिल हो ब्रिक हो क्लोथ हो हेयर हो स्किन हो बेंच हो डेक्स हो मोबाइल हो सभी जो है एटम से बने होते हैं और एटम जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एटम जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना कि मॉलिक्यूल, कंपाउंड मिक्सचर ठीक है कंपाउंड्स का एटम मिक्सर का एटम मैंने किसी भी सबस्टांस का एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता है यानी एटम अब किसी से नहीं बना होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसे मेक यानी बनाया जा सकता है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कोई भी एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है तो उसका जितने भी एटम्स होंगे वे सभी आइडेंटिकल होंगे मास में केमिकल प्रॉपर्टीज में सब चीज़ में नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स हाँ एटम्स जो होते हैं वे कंपाउंड्स बनाने के लिए स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं जैसे टू रेशियो वन टू रेशियो टू थ्री रेशियो टू होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड्स किसी कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम्स फिक्स होते हैं जैसे H2O ओ हो गया वाटर H2O ओ वाटर हो गया तो इसमें टू एटम्स हाइड्रोजन के और वन एटम ऑक्सीजन के तो कोई भी कंपाउंड्स होते होगा उसमें रिलेटिव नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं थैंक यू